तो आज की हमारी इस क्लासेस में हम बात करने जा रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग की। कस्टम फॉर्मेटिंग मतलब कि नंबर की कस्टम फॉर्मेटिंग करना हम जानते हैं, क्योंकि नॉर्मली आप जो है बॉर्डर लगा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसकी अलाइनमेंट चेंज ठीक कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, परसेंटेज कर सकते हैं, डेसिमल लगा सकते हैं। उसी तरह से नंबर की फॉर्मेटिंग जो है कि नंबर की जो फॉर्मेटिंग है उसको अच्छे तरीके से कैसे किया जाए ताकि हम टाइप कुछ और करें और दिखे कुछ और, इसकी इस केस में हम कस्टम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारा चेक नंबर है, तो आप चेक नंबर लिखते हैं तो मोस्टली चेक में क्या होता है, 00 लगा होता है, तो 0 नहीं करता है। तो आपने 0 लगाने के लिए क्या करते हैं कि सिंगल कोट लगा देते हैं और फिर यहाँ पे लिखते हैं तो ये 0 एक्सेप्ट कर लेता है। तो सिंगल कोट लगने से क्या होता है, एक टेक्स्ट हो जाता है, मतलब कि ABCD के कैटेगरी में हो जाता है। तो इससे दिक्कत क्या होता है कि जो नंबर की कैटेगरीज है वो इससे मैच नहीं करते हैं। तो मुझे आप जो टाइप करोगे तो सिंगल कोट लगा दोगे, लेकिन किसी ने आपको टाइप करके भेज दिया है, उन्होंने 0 नहीं लगाया, उनको 0 लगाने का नहीं आता था सॉरी, या 0 लगाना वो नहीं सही नहीं समझे, लेकिन आपको इसको प्रिंट आउट निकालना है, कलेक्शन निकालना है और आपको देना है, बैंक को देना है। जैसे बैंक में क्या होता है कि अगर आप एक दो चेक जमा करते हैं तो बैंक का जो स्लिप होता है वो फिल करके आप दे देते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं, जो कलेक्शन कंपनीज हैं, उनके यहाँ हजारों चेक्स है जो डेली बेसिस पे कलेक्ट होते हैं, पेमेंट कलेक्ट होती है। जैसे कि जो डिस्ट्रीब्यूटर लोग वो अपने होलसेलर्स वगैरह से चेक कलेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है तो अगर वो 1000 या 1500 चेक का स्लिप भरने में बैठ जाएंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो क्या करते हैं कि उस चेक की एंट्री करके उसकी प्रिंट आउट निकाल के चेक के साथ अटैच कर देते हैं रिसीविंग के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो है हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग कस्टम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। हम कस्टम फॉर्मेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग कैसे गए, हम राइट क्लिक किया और चले गए फॉर्मेट सेल पे। फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद नंबर फॉर्मेट की कैटेगरी में हम सबसे नीचे कस्टम पे आते हैं, जहाँ पे बहुत सारे कोड होते हैं। एक कोड मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 टाइम मैं यहाँ पे 0 डाल देता हूँ। 6 डिजिट को मेंटेन करना है कि जितना 6 0 होना चाहिए, जितने लेटर्स होंगे, जितने नंबर्स होंगे, उतना डिजिट छोड़ के उतने 0 वो आगे से लगा देगा। तो इन्होंने लगा दिया। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग सिर्फ विजिबिलिटी को चेंज करता है, ओरिजिनल को चेंज नहीं करता है। ये आपका 000856 नहीं है, सिर्फ 856 है। ऊपर यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको 856 दिख रहा होगा। तो अगर मैं किसी सेल अदर सेल पे अगर मैं यहाँ पे 000856 डाल दिया तो इन दोनों को हम मैच जब करेंगे, जैसे वी लुकअप के लिए, मैच फॉर्मूला के लिए, काउंट इफ के लिए, इफ फॉर्मूला के लिए, तो एक फॉल्स दिखाएगा। तो देखने में आपको एक जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग है। एक आपका नंबर फॉर्मेट में, मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ एरर को, तो अब कोई फर्क नहीं दिखेगा। तो जब इस पर कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ दिखेगा 856, इस पर कर्सर रखेंगे तो दिखेगा 00856। तो दोनों का विजुअल एक है बट ओरिजिनल अलग अलग है। लेकिन जब हम कंडीशंस लगाते हैं, जब मैच करते हैं, वी लुकअप लगाते हैं, तो क्या होता है, वो ओरिजिनल वैल्यू को ही पिक करता है, ओनली फॉर ओरिजिनल वैल्यू को, विजुअल से कोई मतलब उसको नहीं। सो अगर आपको प्रिंटिंग पर्पस से चाहिए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो कस्टम फॉर्मेटिंग का, लेकिन मुझे ओरिजिनल चाहिए, मुझे कस्टम नहीं चाहिए, मुझे ओरिजिनल चाहिए, विजुअल नहीं चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, ताकि हम इसकी फॉर्मूले के साथ मैच कर सकें। तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट फार्मूला लगाना पड़ेगा, टेक्स्ट फार्मूला, और हम मेथड कस्टम फॉर्मेटिंग का ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो फॉर्मेट है, यहाँ पे हमने वैल्यू सेलेक्ट कर लिया E2 और यहाँ जो फॉर्मेट टेक्स्ट है इस फॉर्मेट टेक्स्ट में हमने सेलेक्ट कर लिया 1 2 3 4 5 6 टाइम 0 और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ये आ गया। अब ये दोनों आपस में बराबर है, अगर मैं दोनों को लॉजिक करूँ तो आप देखेंगे कि दोनों आपस में बराबर होंगे। तो राकेश जी एंड मनीष अग्रवाल जी, कोई डाउट इसमें? चलिए अब इसमें आगे बढ़ते। मेरी वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही ना? ठीक है, क्योंकि आज मैं अपने सेलफोन से ही जो इंटरनेट कनेक्ट किया हूँ। थोड़ा सा मैं आउटसाइड हूँ, वो मैं अपने पापा के घर पे हूँ अभी, वो घर में पूजा वगैरह है इसलिए। अब लॉकडाउन है तो घर में थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेते। ओके, हाँ, मिल जाएगी। अब इसमें ये हमारा हो गया, ये आपके सामने ये चीज़ समझ में आ गई। तो एक चीज़ और समझ जाइए, कस्टम फॉर्मेटिंग का जो फॉर्मेट आपको एक्चुअल में चाहिए होगा तो उस केस में हमेशा हम टेक्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कुछ और फॉर्मेट्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 1500 किया तो मुझे यहाँ पे सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर चाहता हूँ, मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर में +91 लिखने पे क्या होता है कि प्लस नहीं का साइन नहीं लेता, क्योंकि एक्सेल प्लस और इक्वल को समझता है कि फॉर्मूला स्टार्ट होने वाला है। जैसे हमने प्लस और इक्वल लगा दिया, इसका मतलब है कि फॉर्मूला शुरू होगा। तो ये फॉर्मूला समझ आपको यहाँ पे बोलता है और ये इस तरह का शो कर देता है। मैं चाहता हूँ कि मैं नंबर लिख चुका हूँ या लिखने वाला हूँ, मुझे सब पे +91 अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम कस्टम पे आते हैं और यहाँ हम देते हैं +91 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम हमने 0 डाल दिया। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे नंबर डाला, एंटर मारा, तो ये हमारा +91 ऑटोमेटिकली लगा दिया। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि अगर मैं छोटा भी डालूंगा फिर भी ये 0000 लगा देगा। अब इससे एक दिक्कत हो जाएगी कि हमें पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कौन सा नंबर गलत है, कौन सा नंबर सही है, कौन सा नंबर में गलत में मतलब कि 0 मिसिंग है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे केसेस के लिए हम क्या करेंगे कि कस्टम फॉर्मेटिंग में हमने जहाँ 0 लगाया है वहाँ हम हैश लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 0 हैश का क्या फंडा है ये हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। उससे पहले मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे ये लिखना है कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर होता है ना, कार्ड नंबर लिखना है। तो क्रेडिट कार्ड नंबर में हम लोग 8 डिजिट ही लिखते हैं, लेकिन हमें 16 डिजिट शो करना होता है। तो कुछ इस तरह चाहिए होता है कि हम यहाँ पे लिखें और यहाँ पे XXX, फिर जो 4 बार होगा ना, हाँ, फिर XXX और फिर इसके लास्ट के डिजिट होगा। ठीक है, इस फॉर्मेट में लेकिन हम लिखेंगे 8 डिजिट ही, बीच में XX अपने आप लगा दें। तो उस केस में हम कस्टम फॉर्मेट पे आते हैं और यहाँ पे हम देते हैं 1 2 3 4 4 टाइम 0 और इन्वर्टेड कॉमा में 8x दे देते हैं, 4 4 x के बाद एक स्पेस देके, और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 4 बार 0 ने दे दिया हमने। अब मुझे 8 डिजिट यहाँ पे लिखना है और एंटर मारते ही आपका सेम फॉर्मेट में दिख जाएगा। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा हुआ है और जनरली अकाउंट नंबर 12 डिजिट से ज़्यादा होता है, तो 10 डिजिट तक लिखेंगे तो आपका सही आएगा, 11 डिजिट सही आएगा। जैसे 12 डिजिट लिखेंगे तो साइंटिफिक फॉर्मेट में चला जाता है। तो इस फॉर्मेट से हटाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इस कस्टम में जाके इसके ऊपर एक हैश दे देना है, ओनली फॉर 1 हैश आपके सामने दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये 15 डिजिट से ज़्यादा नहीं दिखेगा। 15 डिजिट हमने डाला तो दिख गया। 16वां डिजिट जैसे ही डालूंगा वो 0 में कन्वर्ट हो, जैसे 4 डाला ये 4 हमारा 0 बन जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो सिस्टम है पीसी है वो 16 बिट से ज़्यादा की कैलकुलेशन नहीं कर पाता, मतलब कि 50 डिजिट से ज़्यादा की कैलकुलेशन नहीं कर पाता है। आपका प्रोसेसर इससे ज़्यादा की कैलकुलेशन के लिए बना नहीं है, इससे लंबी कैलकुलेशन के लिए ही सुपर कंप्यूटर बनाए जाते हैं। राइट सर, लेकिन अगर आपको लिखना है तो सिंगल कोट लगा दीजिए या टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आप 32,767 डिजिट तक लिख सकते हैं, मतलब कि नॉन कैलकुलेटिव डेटा को लिख सकते हैं। तो कोई डाउट आप लोगों को इसमें? वापस चलते हैं कि हमारा जीरो हैश का क्या फंडा है। ओके, तो याद रखिए यहाँ पे यहाँ आते हैं, बात करते हैं इसी पे। 1500 हमने लिखा और मुझे 1500 के आगे MRP 1500 चाहिए था। अगर हमने मैनुअल लिख दिया तो इस पे किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होगा। तो मुझे दिखाना ऐसा ही है, लेकिन वो 1500 ही हो ताकि उसके ऊपर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सके। ठीक है, तो उस केस में हम कस्टम फॉर्मेटिंग में जाते हैं, कस्टम पे आते हैं, यहाँ हम सिंगल कोड में MRP डाल देते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि मैंने सिर्फ सिंगल कोड में MRP डाल दिया एंड ओके कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ आपको MRP दिख रहा है, आपकी वैल्यू नहीं दिख रही है। एक्चुअल में वैल्यू है बट विजुअल नहीं है। देखिए, जो वैल्यू टाइप की गई है उसको विजुअल करने के लिए आपको हमेशा यहाँ पे हैश या जीरो का यूज करना होगा। अगर आप हैश या जीरो, अगर आप मान लो जीरो का यूज करते हैं, हमने दो बार यहाँ पे जीरो लगा दिया, जीरो का यूज करते हैं तो ये आपको 1500 दिखेगा, लेकिन ये जीरो मेंटेन करेगा। हमने दो जीरो लगाया है, मतलब कि अगर मैं सिंगल नंबर लिखूंगा तो यहाँ पे 05 आ जाएगा, तो मतलब दो डिजिट को मेनटेन किया। अगर यही यूज हम इसमें हैश में कर दें तो हैश को जीरो से कोई मतलब नहीं है, वो जो लिखोगे वही टाइप करेगा। तो यहाँ पे आपको नंबर को शो करने के लिए हैश या जीरो देना ही पड़ेगा। ओके, हैश और जीरो की एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 15 रुपये और मैंने यहाँ पे 65 पैसे का हमने डाला हुआ है। तो अब इसको हमने क्या किया कि कस्टम में गए और यहाँ पे हमने जीरो हैश दिया और फिर यहाँ पे रुपीज़ हम लिखते हैं कि रुपीज और फिर डॉट जीरो पैसे। ₹15.65। राइट, अब यहाँ पे क्वेश्चन आती है कि हमने यहाँ पे हैश क्यों दिया है, जीरो क्यों दिया। अगर मैंने मान लो डबल 0 डाल दूंगा तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं सिर्फ पैसा डालूंगा, जैसे 90 पैसे कर दिया तो 00 90 पैसे देगा। ये अलग लग रहा है। तो अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 2 हैश कर दिया तो यहाँ पे ₹90 दिखेगा। तो चलो आपको यहाँ पे 10 देना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ एंड ओके करता हूँ। तो ये रुपीज ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन मैं यहाँ ₹5 60 दूंगा तो ये ₹5 दिख रहा है, 05 नहीं दिख रहा है। मुझे 2 डिजिट मेंटेन करना है, इसलिए मैं 0 के बाद एक हैश लगा दिया। तो यहाँ पे अब 2 डिजिट भी मेंटेन होगा और ये नहीं दिखेगा। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे मान लीजिए 1000 सेपरेटर लगाना है, तो आपने यहाँ पे 50,000 लिखा, तो आप यहाँ कस्टम में गए और यहाँ पे आप हैश दिया और यहाँ पे 3 हैश और दे दिए, 1000 सेपरेटर आपको दिख गया। लेकिन मुझे अगर अमाउंट को 1000 में ही कन्वर्ट करना है तो मैं हैश के बाद जस्ट 0 दे दूंगा और इस पर लिखना चाहते हैं कुछ, जैसे 50K ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए 50K दिखेगा। तो अमाउंट को 1000 में कर सकते हैं। या दूसरा, मैं यहाँ पे लिया और यहाँ पे आता हूँ कस्टम में, यहाँ पे 0.00 और यहाँ पे डबल कॉमा लगा दिया, डबल कॉमा, 1,52,00,000 अमाउंट इन करोड़ में इन्होंने कर दिया। नहीं कर सकते, लाख्स में करने का कोई सिस्टम नहीं है। तो इस चीज अब इस तरह से कर सकते हैं, इसके आगे पीछे भी कुछ फिक्स सफिक्स लगाना है तो लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम डेट की बात आते हैं। अब हम मान लीजिए कि हमने यहाँ पे आज का डेट टाइप कर दिया। अब आज की इस डेट पे हम अपने हिसाब से डेट में दी गई फॉर्मेट तो चूज कर ही सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे अपना खुद का फॉर्मेट क्रिएट करना है, मतलब इसमें जो दी गई फॉर्मेट अवेलेबल नहीं है, मुझे अपने खुद का फॉर्मेट चाहिए, तो इसके लिए हम कस्टम में जाएंगे। कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे M फॉर मंथ, D फॉर डे और Y फॉर ईयर है। अब इसको अपने हिसाब से किसी भी सिक्वेंस में रख सकता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल दिखेगा, जैसे मैंने एक M किया तो ये मंथ आएगा 1 2 3 4 के फॉर्मेट में, दो एम किया तो 0 1 2 के फॉर्मेट में आएगा, 3 एम करूंगा तो ये आपका जो है मार्च शॉर्ट में आएगा, 4 करूंगा तो ये आपको कंप्लीट मार्च आएगा, अगर 5 कर दिया सिर्फ फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ आएगा। उसके बाद उसी तरह से डी आपको डी फॉर डे का भी वही सीन है, 3 बार करो 4 बार करो, और इसके बाद इसको आपस में जिससे मर्जी कर लीजिए कैलकुलेट, ये आपको इस तरह का डेट दिख गया। उसी तरह से टाइम का भी है, जैसे मैं 10:30 डाला तो ये टाइम, तो इस तरह के जो फॉर्मेट है उसको अपने कन्वर्ट कर सकते हैं अपने हिसाब के फॉर्मेट में। H फॉर आवर, M फॉर मिनट, S फॉर सेकेंड, और AM PM के लिए आप यहाँ पे AM/PM कर सकते, किसी भी ऑर्डर में पहले या बाद में भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइम को कन्वर्ट करने की बात आती है, जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि 4 घंटे 20 मिनट हमारा ओवर टाइम है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है मिनट में कि कितना मिनट हुआ। तो कुछ नहीं करना आपको, आपको यहीं पे सिंपल सा ये जो कर्ली ब्रैकेट होता है, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसमें आप एम को डाल दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दीजिए, एक कन्वर्ट हो जाएगा 260 मिनट। लेकिन जस्ट विजुअल, एक्चुअल में कैलकुलेशन के लिए चाहिए तो फिर वही टैक्स फॉर्मूला इस्तेमाल करें और इसमें आप रखें कर्ली ब्रैकेट में H, M होगा ना, हाँ M करेंगे तो मिनट और S सेकंड में कन्वर्ट होगा, बट इन्वर्टेड कॉमा में ध्यान रखिएगा। अब आगे कुछ और ट्रिक्स है, लेकिन उस ट्रिक से पहले आपको एक आर्टिकल पढ़नी होगी। एक आर्टिकल जो मैं मोस्टली लोगों को देता हूं, ये आर्टिकल मेरा नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। हाँ यही है, ये लिंक मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, इस पर एक आर्टिकल है, उसको अच्छे से देखिएगा। तो राकेश जी आपकी मेल आईडी क्या है और आपका मनीषा जी, मनीष जी एक मिनट क्या बोला आपने? इसमें नहीं है, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं भेज देता हूँ। हाँ, और आज की रिकॉर्डिंग में थोड़ी देर में आप लोगों को मेल कर देता हूँ, ठीक है? तो मिलते हैं कल की क्लास में, लेकिन याद रखिएगा कल की क्लास तभी हो पाएगी जब आज की जो आर्टिकल है आप उसको पढ़ लीजिएगा।